हेलो व्हाट्सअप। तो जब से आदि पुरुष का ट्रेलर इंटरनेट पे आउट हुआ है, ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर ने कुछ ना कुछ बना ही दिया है। और हमारा कुनवर ने तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना डाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख लो यार, कितना सही बनाया है इसने। तो मैं भी बैठा नहीं था, हाँ सीरियसली मैं इनफैक्ट दो आदि पुरुष का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो आज का वीडियो है और एक कुछ दिन में रिलीज होने वाला है। तो बेसिकली मेरे को ये आइडिया आया था सपने में। जी हाँ, तो मेरे को लगा कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि 2D को 3D में कन्वर्ट भी करूंगा, मेरा एक क्रिएटिव टच भी दूंगा उसमें, और डेफिनेटली शायद आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पूरा वीडियो मोस्टली कुछ स्टेप्स पे डिवाइडेड है, तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो ये स्टेप को हम कहते हैं ऑब्वियसली R&D, मतलब रिसर्च करना। तो मेरे को बेसिकली इंटरनेट पे जाके आदि पुरुष का कुछ पोस्टर्स ढूंढने थे जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो ये सारे पोस्टर्स में से मेरे को लगा कि यार कुछ ऐसा पोस्टर होना चाहिए जो प्रोमिनेंट हो और जिनका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो मैंने ये वाला फोटो फाइनलाइज किया। अब इस फोटो का मेजर चीज यही है कि इस फोटो में मल्टीपल डेप्थ्स है जिसको मैं 3D में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 2। तो फोटो में बेसिकली अगर डेप्थ को हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे आ जाता है एक्सट्रीम फोरग्राउंड विच इज आवर सीता जी का कैरेक्टर, देन एक्सट्रीम मिडग्राउंड जो कि हमारा राम जी का कैरेक्टर, एंड एक्सट्रीम बैकग्राउंड जो है स्काई। तो इसके बाद हमको अभी फोटोशॉप में सीता जी का कैरेक्टर को सिलेक्शन करके सब्ट्रैक्ट करना था। मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वहाँ पे एक होल जनरेट होगा एज यूजुअल। तो वहाँ पे मैंने कंटेंट अवेयर किया, लेकिन यार जब कैमरा मूवमेंट होगा ना तो वहाँ पे मेरे को लगा कि यार यहाँ पे दिख जाएगा ये जो भी इशू है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लकीली मेरे को इंटरनेट पर रिसर्च करने पे मिल गया विदाउट सीता जी का कैरेक्टर के एक जो राम जी का फोटो भी देख पा रहे हो वो मिल गया। तो बट उसका कलर अलग था, रेजोल्यूशन अलग था, बट कोई नहीं, हमको उसको बस उसके साथ एडजस्ट ही करना था। तो मैंने ऐसे ऐसे उसको एडजस्ट किया और फाइनली राम जी का कैरेक्टर रेडी हो गया विदाउट सीता जी। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ा, उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना भी था उस कैरेक्टर को भी। तो इसके लिए हमने पेन टूल का यूटिलाइज किया, ट्रस्ट मी कितना सही सिलेक्शन होता है पेन टूल से। तो उसको निकालने के बाद एजेस बहुत ज्यादा शार्प थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड था। तो बैकग्राउंड के साथ उसको ब्लेंड करने से पहले मुझे बैकग्राउंड को भी रिप्लेस करना था। तो अगेन लकीली मुझे एक बैकग्राउंड में मिल गया स्काई जो ऑलमोस्ट इस फुटेज के साथ मैच कर रहा था। उसके बाद मैंने तीनों लेयर्स को एडजस्ट किया, CC वगैरह किया, एंड उसके साथ फाइनली मेरे को मिल गया यहाँ पे तीन मेजर चीजें विच इज FG, MG एंड BG। तो गाइज अभी हमारे पास जो फोटोशॉप फाइल था वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका था, इसमें हमारे पास जो लेयर्स थे वो भी रेडी थे। तो चलते स्टेप नंबर 3 पे जो है कंपोजिटिंग। आप लोगों को पता ही होगा वॉल्यूमेक्स के बारे में, जिसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, जाके जरूर चेकआउट कर लो। तो उनका ही टीम ने बनाया है एक नया पावरफुल अपडेटेड चीज जिसका नाम है पैरालैक्स स्क्रिप्ट। इसको यूज करके आप ऐसी ही चीजें बस एक क्लिक में क्रिएट कर सकती हो। और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है पैरालैक्सर। सो वही अपना पुराना टेक्निक, फोटोशॉप फाइल को इंपोर्ट करके कंपोजिशन क्रिएट करना है, और उसके बाद जितने भी लेयर्स उसको मैंने को सिलेक्ट करना था और मेरे को स्क्रिप्ट रन करना था पैरालैक्सर। अब इसको रन करने के बाद ना आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक होता है नॉर्मल एनवायरनमेंट, एक होता है मीडियम एनवायरनमेंट, और एक होता है लार्ज एनवायरनमेंट। तो मेरे को यहाँ पे लार्ज चाहिए था ताकि मैं कैमरा थोड़ा घुमा पाऊँ। तो लार्ज एनवायरनमेंट क्लिक किया और एक झटके में आपका कैमरा विद डेप्थ सब कुछ ये रेडी करके दे देता है आपको, मतलब बहुत ही सही है। मतलब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो कैमरा आ गया, डेप्थ आ गया, इसके बाद मुझे इसमें करना था कैमरा एनिमेशन। तो मैंने एक बेसिक लेवल का कैमरा एनिमेशन किया जो नॉर्मली मोशन पोस्टर्स में होता है। तो कैमरा एनिमेशन हो गया, सब कुछ रेडी था, लेकिन उसमें ना वो फील नहीं था। दैट मींस कि हमको इसमें कुछ रियल मूविंग एलिमेंट डालना था, भले वो कुछ भी हो और वो सीन के साथ इंटरेक्ट भी करे। तो ट्रेलर में आप लोगों ने देखा होगा जो धनुष वाला सीक्वेंस था, वहाँ पे उनके धनुष के ऊपर एक पार्टिकल फायर का जो है जनरेट हो रहा था, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लग रहा था। तो इसके लिए मैं गया डायरेक्ट हमारे एक्शन VFX के वेबसाइट में, और एक्शन VFX के वहाँ पे मिलता है एक एनर्जी ब्लास्ट का इफेक्ट जिसको मैंने बस ले लिया। तो वहां से मैंने ये एनर्जी इफेक्ट्स को यूज किया और उसको मैंने 3D में कन्वर्ट करके जिस लेयर पे राम जी का कैरेक्टर था वहां पे प्लेस किया। और जैसे मैंने प्ले किया तो बाय डिफॉल्ट ये बहुत सही लग रहा था, लेकिन मेरे को चाहिए था एक फायर इफेक्ट धनुष जैसा, ऐसे जो धनुष का बॉर्डर है लाइक दिस, ऐसे यू शेप में वो ऐसे एमिट हो। तो उसके लिए मेरे को यूज करना था पपेट ट्रैप। पपेट ट्रैप इतना पावरफुल है ना, बिलीव नहीं करोगे। उसको मुझे बस पिन देना था जहां जहां मुझे उसका लॉक पॉइंट चाहिए, डाल दिया एंड देन प्ले कर दिया। भाई सही में लग रहा था कि वो धनुष से ही मूव हो रहा है। अब इसमें मुझे और थोड़ा जान डालना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अगेन एक्शन VFX का कुछ एसेट्स को और यूज किया, लाइक पार्टिकल्स, डस्ट,
सोरा फ्लेयर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी वहाँ पे डाला, एड ऑन किया, ताकि ओवरऑल जो सीक्वेंस है वो देखने में थोड़ा सा यू नो रियलिस्टिक लगे। और एंड में मैंने मोशन ब्लर डाला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का मोशन पोस्टर्स में, एंड हल्का सा डेप्थ ऑफ फील्ड भी एंड में डाल दिया। ऑप्टिकल फ्लेयर डाला, सीसी किया, एंड यस ये हो चुका था रेडी। तो देखिए दैट फाइनल रिवील। तो होपफुली आपको ये 2D से 3D कन्वर्शन यूजिंग फोटोशॉप, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, पैरालैक्स, रैशन VFX पसंद आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। आदि पुरुष के ऊपर दूसरा वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो। ऑल्सो प्रोडक्शन लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रॉपर न्यूक सीखना है तो हमारे कोर्स एनरोल करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रचित साइनिंग ऑफ।